गुड मॉर्निंग मेंबर्स, ग्रासिम को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं एंड कल जिन स्टॉक्स को हमने ट्रेड किया तो उसमें से एक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक में मेरा टारगेट हिट हुआ। उसकी पूरी की पूरी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर लगातार दे रहे थे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में स्टॉक्स के लेवल, निफ्टी के लेवल्स वहाँ पर हम आपको शेयर कर देते हैं एंड इसके अंदर हमने एक अपनी बाइंग पोजिशन क्रिएट की हुई है 1455.50 रुपये पर। एक काफ़ी अच्छे सेटअप के साथ ग्रासिम हमको दिखा, इस रेंज पर हमने इसके अंदर बाइंग की है एंड बाइंग करते ही एक बड़ा मूव इसके अंदर हमें देखने को मिला। काफ़ी अच्छा सेटअप हायर टाइम फ्रेम पर इसके अंदर बन रहा था एंड जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल इसके अंदर हमको लगी है डेली टाइम फ्रेम पर वो है 4th of March की कैंडल, क्योंकि 4th of March की जो बॉडी लैंग्वेज है कैंडल की डोजी टाइप की कैंडल आपको दिखेगी। प्राइस में जब डोजी कैंडल फॉर्म होती है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्राइस अगर अपनी रेंज के नीचे गया तो नीचे निकल जाएगा और अगर अपनी रेंज के ऊपर गया तो ये ऊपर चला जाता है। कुछ इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है हमारा रीड करने का कि डोजी के नीचे ही प्राइस ने ओपनिंग दे दी और क्लोजिंग दे दी 7th of March को। कल के दिन क्या हुआ है, डोजी कैंडल जो थी हमारी इसके अंदर जाकर के क्लोज हुई है मार्केट, मतलब कल की जो क्लोजिंग थी ये एक स्ट्रांग क्लोजिंग थी हमारी एंड इस क्लोजिंग के बाद में आज की जो ओपनिंग है वो स्ट्रांग ओपनिंग थी, स्ट्रांग ओपनिंग एंड स्ट्रांग क्लोजिंग। और ऊपर से ये मेरी जो 4th of March की कैंडल है ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। एक तो ये पॉइंट हो गया रीड करने का जिसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव साइन दिख रहा था ग्रासिम के अंदर। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, ये वाली जो कैंडल है हमारी 4th of March की, इसके नीचे मेरा प्राइस क्लोज हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग यहां पर दे दी। अगेन कल के दिन क्या हुआ था उसके पहले कि प्राइस ने अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश की थी बट सस्टेन नहीं हुआ और वो नीचे गिर गया और नीचे की दिशा में इसने क्लोजिंग दे दी अपनी। कल की मार्केट में क्या हुआ कि प्राइस ने वापस से नीचे ही अपनी ये क्लोजिंग दी, ओपनिंग दी और इस ओपनिंग के बाद में जो क्लोजिंग थी फाइनली अपसाइड की तरफ हो गई। अब अगर प्राइस मेरा स्ट्रांग है तो उसको क्या करना होगा, इसी सपोर्ट से जिसके अंदर क्लोजिंग हुई है इस सपोर्ट पर आकर के प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ जा सकता है। अगर इसको अपसाइड की तरफ जाना है तो मूवमेंट की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट अपना 8,700-9,000 रुपीज का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। ओके एंड अब बात करते हैं इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पर आई होप कि समझ में आएगा, इतना कुछ टफ नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कैंडल हमारी, क्योंकि आपको प्राइस को कभी भी रीड करना है ना एक अपनी मास्टर कैंडल फाइंड कर लेनी है जिसके अकॉर्डिंग आप सारी रीडिंग करोगे। ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल ले ली, इसके बाद से देखिए यहाँ पर एक जो क्लोजिंग मिली है हमको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, आज की ओपनिंग स्ट्रॉन्ग, हमने अपने लेवल का वेट किया और यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब जब आप 5 मिनट पर आओगे तो देखिए 5 मिनट पर क्या एक्टिविटी आपको शो कर रही है मार्केट, इसके नीचे यहाँ पर हमारी मार्केट गिरी और इसने अपने सपोर्ट पर यानी कि 4th of March की कैंडल के लो तक प्राइस हमारा आया है और यहाँ से इसका मूवमेंट अपसाइड की तरफ। जैसे ही प्राइस के अंदर आप देखोगे वॉल्यूम्स इंक्रीज होने लगे, वॉल्यूम्स की इंक्रीजमेंट एंड प्राइस का हाई ब्रेक कर देना अपने आप में, ये एक साइन होता है कि जब भी किसी स्टॉक को हम ट्रेड करें तो उसके अंदर मूवमेंट हमें अच्छा मिल सकता है, सपोर्ट पर हमें कंफर्मेशन मिले। एंड अब देखिए हमें क्या करना था, एंट्री 1455.45 पर अपनी ट्रेड बुक हम ओपन कर लेते हैं। सो एस्प्रेसो लॉग इन, तो एंटर कर चुके हैं एंड पोजिशन बुक अपनी ओपन करते हैं। इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 7,400 and 200 रुपीज के लगभग 7,700 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है एंड ऑर्डर बुक जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमने अपना बाइंग ऑर्डर लगाया था वो 1456 रुपये पर लगाया था एंड जो ऑर्डर हमको एग्जीक्यूशन मिला है वो 1455.50 रुपये के आसपास मिला, 55.47 रुपये पर, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। एंड स्टॉप लॉस जो हमारा लगा है 1448.45 रुपये पर मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। कॉपी एंड पोजीशन बुक 7400, ठीक है। सो ठीक ठाक ही प्रॉफिट अपना चल रहा है एंड ये निफ्टी के कुछ लेवल्स हैं, निफ्टी के लेवल भी हमने मार्क करके शेयर किए हैं। जो ये वाला पॉइंट है ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, प्राइस ने अगर इसके ऊपर सस्टेन होकर के अपने हाइज ब्रेक करने लग जाता तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 16,300 रुपये का होगा। एंड ग्रासिम पर चलते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हम लोग लगा देते हैं 1448.45 रुपये, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा आज के लिए। प्रॉफिट्स के लिए हम यहाँ पर जा तो सकते हैं 1500 रुपये के लेवल्स तक, अगर प्राइस जाता है हमारा तो 1500 रुपये तक जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ राउंड फिगर नहीं। यहाँ पर एक लेवल है अपना लोअर टाइम फ्रेम पर, जब आप देखोगे तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्विंग हमारे बने हुए थे ना, यहाँ तक प्राइस मेरा मूव हो सकता है बट 1500 का लेवल हम नहीं लेंगे, हम 1495 से नीचे 1493 रुपये तक जाएंगे बिकॉज यहाँ से लेकर के अपसाइड तक हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी मैनेज हो जाएगा एंड बहुत बड़ा कोई टारगेट भी नहीं होगा, यहाँ तक प्राइस मेरा इजिली जाएगा।
तो अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ तक जाएगा, एंड जैसे ही इस रेंज तक जाएगा हम देखेंगे उस वक्त के प्राइस के मूवमेंट क्या हैं, और यहाँ पर हम उन्हीं मूवमेंट्स को देख के अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। सो फाइनली हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एंट्री सारी चीज़ें कन्फर्म है। एक एक चीज़ हमने आपको कन्फर्म की, एक एक चीज़ हमने क्लियर की आपको। हायर टाइम फ्रेम में जब आप प्राइस को रीड करने जाओगे, क्योंकि रोज़ हम लोग यही काम कर रहे हैं, इसमें कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। जस्ट क्या होता है कि जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं या जो वीडियो हम आपको बना करके अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जब आप उसको रोज देखोगे ना, तो एक लेवल पर आने के बाद में आप इसको खुद ब खुद करने लग जाओगे, आपसे आसानी से वो सारी चीज़ें होंगी। जस्ट क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट कैंडल को फाइंड करना है, और उस इंपॉर्टेंट कैंडल्स के पास से अपनी वॉल्यूम्स के कन्फर्मेशंस लीजिए, प्राइस के कन्फर्मेशंस लीजिए, प्राइस को रीड करिए, जो भी आपका प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करिए, और स्टॉक्स को ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स को चलने देते हैं। एंड इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट है 8,000 रुपीज़ का चल रहा है हमारा। कोई बड़ा मूवमेंट होता है या कोई एक्टिविटी हम इसके अंदर करते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हमको हमारा टारगेट पूरी तरह से मिल गया है, एंड इस वक्त का जो अपना प्राइस चल रहा है 1496 रुपये का चल रहा है, एंड जो प्रॉफिट अपना इस वक्त का चल रहा है 15,900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 16,000 रुपीज़ का अगर हम राउंड फिगर लेकर के चले तो। एंड ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं जो स्टॉप लॉस हमारा था, और इस वक्त का कोई भी बाइंग ऑर्डर हमारा नहीं लगा है। सो अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर बाइंग ऑर्डर अपना प्लेस करने, बिकॉज टारगेट हमारा अचीव हो चुका है पूरी तरह से। एंड प्राइजेस के जो नेक्स्ट लेवल हमको समझ में आ रहे हैं वो 95 के ऊपर 1500 का लेवल है। सो 1495 वॉल्यूम्स का स्ट्रक्चर, नो इट्स अ डेंजरस साइन, एंड बाहर निकलना होगा यहाँ से। 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है 15,600। बोलते हैं कि जब भी आपको एंट्री लेनी हो, स्टॉपस लगाना हो, टारगेट लगाना हो, एग्जिट करना हो, कुछ जल्दबाजी मत करिए, बहुत आराम से और इत्मीनान के साथ सारा काम करने की कोशिश करिए, बिकॉज ये वन टाइम ड्यूटी नहीं है अपनी, ये हमको रोज़ का काम है, ये हमारा रोज़ का काम है, हमें हमेशा करना चाहिए। तो जितना आपका माइंड शांत होगा, जितना आपका मन शांत होगा, जितना हड़बड़ी आप कम करोगे, उसी का इफेक्ट आपका प्राइस पर पड़ेगा। देखिए मूवमेंट 1500 का रेंज में लोगों ने ड्रॉ की थी, प्राइस एग्जैक्ट उसी रेंज पर पहुंचा, 1498.45 यहाँ तक प्राइस पहुंच चुका, बाहर भी निकल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो राउंड फिगर के अकॉर्डिंग 16,200 रुपये का प्रॉफिट इतना चल रहा है, रिवर्सल की साइंस है, बिकॉज वॉल्यूम्स के भी स्ट्रक्चर्स हमको सही नहीं लग रहे हैं, सही इन द सेंस कि अब यहाँ से प्राइस मेरा टर्न हो सकता है, एंड टारगेट भी हमको पूरी तरह से मिल चुके हैं। तो जो स्ट्रेस टारगेट था और जो हमारा मैक्सिमम टारगेट था, प्राइस उसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है, हम चाहें तो इसे बाहर निकल सकते हैं। चलिए बाहर निकलते हैं। ओके, ऑर्डर बुक में गए, सबसे पहले हमारा काम होगा जो स्टॉप लॉस है इसको करेंगे कैंसिल। ओके, एंड अब पोजिशन बुक में जाएंगे, स्क्वायर 1495.95, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, 1496 का प्राइस 1495.95 है, लीजिए बाहर, एक ही बार में बाहर होंगे शायद। वाओ, कुछ क्वान्टिटी ऑर्डर कंफर्म, प्राइस निकल रहा है हमारा, 89 क्वान्टिटीज बची हैं, एंड ऑर्डर बुक में देखते हैं। ओके, 311 क्वान्टिटीज निकल चुकी हैं, एंड इस वक्त जो पोजिशन बुक में क्वान्टिटीज हैं 89 क्वान्टिटीज़ हैं, 12,000 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, 89 क्वांटिटीज और बची हैं, वाह सारी क्वांटिटीज निकल गई परफेक्ट, एंड 16,193.80 रुपये का प्रॉफिट हमने बुक किया आज के दिन। प्राइस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, एंड मे बी चांस है कि ये जो लेवल है हमारा ये अब टॉप बन जाए, मे बी चांस है, बन सकते हैं। देखिए हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये वाला जो लेवल है, ये रेंज है, ये इंट्राडे सेशन के अकॉर्डिंग मे बी आज ये अपना हाई लगा दे और यहाँ से प्राइस वाला रिट्रेस होकर के नीचे भी गिर सकता है। 16,193.80 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया है, एंड ये ऑर्डर बुक है आप देख सकते हैं 1495 पर सारी की सारी क्वांटिटीज हमारी निकल चुकी हैं, 400 क्वांटिटीज, 1448.45 ये अपना स्टॉप लॉस है, एंड एंट्री 1456 की एंट्री थी। तो एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, एक अच्छा मैनेजमेंट और एक अच्छा ट्रेड सेटअप। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मन में ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा जल्दी कर लेते हैं, बाकी जो अभी हमें मेन काम करना है वो हम बाद में करेंगे, अभी इस स्टॉक को देख लेते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। या फिर बहुत बार मन में याद है, अरे ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, प्राइस में ग्रीन कैंडल बन रही, ब्रेकआउट हो रहा है, निकलते हैं, अच्छा मार देते हैं भाई। ये जो हड़बड़ी होती है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देते हो। क्या होगा अगर हमें 1495 यहाँ से हम निकलें, हम नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, 1-2 रुपये 5 रुपये नीचे ही आएगा ना, हम नीचे निकल जाएंगे। लेकिन ये हड़बड़ी जो होती है ना, ये आने वाले ट्रेड्स के ऊपर असर डाल देती है आपका। तो जो आने वाले ट्रेड हैं वो ख़राब ना हो, इसलिए क्या, जितना भी आप एक्सरसाइज करो ना, हमेशा बहुत कूल, बहुत काम माइंड के साथ करना चाहिए।
इस ट्रेड को हमने आज अपने प्राइवेट ग्रुप में मॉर्निंग में शेयर किया था। आप मेरे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह जैसे मॉर्निंग हमने एक स्टॉक दिया था ओवरऑल टी का, देखिए ओवरऑल टी का एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमने मार्क करके दिया था। इस स्टॉक को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो। एंड अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि कल कोई अच्छा सा स्टॉक मिलेगा तो आप लोगों से जरूर उसको शेयर। थैंक यू, गुड बाय एंड वी विल मीट।